मेरे पापा हैं नीचे बिना बिस्तर के लेटे हैं, हमारे घर में बिस्तर की कमी है। गाइस मेरे पापा के डिजाइनर कपड़े। मम्मी मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे, मेरे को तो बड़ा इन्फेक्शन हो रहा। रवि मम्मी मेरी 52 ईयर्स की है। इतने सालों में जाऊंगी तो सुंदर लगनी चाहिए। मुझे जाना था अपनी ननद के यहाँ पर, उनके ससुर के रिटायरमेंट फंक्शन में, और उनकी देवरानी के बेटे का कुआ पूजन भी था। खरबूज ले लेते हैं, गर्मी का समय है। क्या ऐसा करती तो अच्छा लगता है ना मुझे। सुन ले, कायदे से रहना चाहिए, समझ में आया। तो ये मेरी वो रिंग है जो मुझे मेरी मम्मी ने दी थी शादी में, तो ये वाली रिंग ली इसलिए। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। और गाइज बहुत गर्मी है यहाँ पर, 44-45 टेम्परेचर है दिल्ली में। सो मतलब सोचो क्या हाल हो रहा होगा जिनके यहाँ पर मतलब ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है ना, उनका सोचो बेचारे कैसे रह रहे होंगे। एक टाइम ऐसा था हमारा भी हाल कुछ ऐसा ही था, मतलब मेरी मम्मी के यहाँ पर हमारा घर भी इतना अच्छा बना हुआ नहीं था, और ना ही हमारे घर में कूलर था और सिर्फ फैन था। फैन से सोचो इस टाइप के घर में जो जिस पर ना ही ढंग की छत है वहाँ पर क्या ही हाल होता होगा ना। तो ऐसा टाइम था एक टाइम हमारा। तो अभी उन दिनों को याद करते हैं ना तो मतलब पेन समझ में आता है यार, हमने भी वो दिन कैसे बिताए थे ना। 2 मिनट के लिए रूम में जाते थे, पूरा पसीना पसीना में नहाकर आ जाते थे। तो ऐसे ही बहुत से लोग अभी भी ऐसी लाइफ जी रहे हैं। कुछ लोग तो मतलब रोड के साइड में रहते हैं ना, वो डालकर टेंट वेंट डालकर, तो उनका क्या हाल होता होगा यार, बच्चे छोटे छोटे। तो बहुत हमने भी लाइफ में वो दिन देखे हैं जो लोग आज भी देख रहे हैं, तो इसलिए बहुत दया सी आती है सोच कर इतनी गर्मी में क्या हाल हो रहा होगा। उस टाइम तो इतनी गर्मी भी नहीं पड़ती थी, इतना टेम्परेचर मतलब 45, बट अभी बहुत भयंकर गर्मी है। तो इसलिए अपना अपना ध्यान रखो गर्मी में, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके रखो, जितना पानी मतलब ग्लूकोज नहीं है तो पानी पीते रहो यार, जितना पी सकते हो ना पानी पीते रहो। फालतू का मतलब जंक फूड वगैरह मत खाओ, जैसे कि मेरे बच्चे खा रहे हैं, देखो हाथ में क्या है, मैं खुद ज्ञान बांट रही हूँ। मेरे बच्चे दोनों क्या खाने में लगे हुए हैं, मतलब ये सिर्फ यहाँ आकर नानी के घर पे मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। इतने दिन हो गए यहाँ पर आए हुए, बट आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि इतनी गर्मी में यार बिल्कुल मन नहीं करता कुछ बनाने का या कुछ करने का, मन करता है बस लेटे रहो, जहाँ भी हवा मिल रही है ना वहाँ बैठे रहो, इसलिए या तो सो जाते हैं या फिर कुछ कुछ बातें करते रहते हैं। इसमें मन नहीं करता गर्मियों में कुछ करने का, स्पेशली यहाँ आकर। सो आज मैंने सोचा कि बना लेती हूँ, क्या पता मैं कुछ दिन में चली जाऊँ, तो इसलिए मैंने कहा आज स्टार्ट कर देते हैं व्लॉग। सो देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है। बड़ा आज घर पे कोई भी नहीं है और आज मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो कोई भी इन द सेंस कि दोनों भाई नहीं है मेरे, छोटा वाला भाई मेरा गया है वाटर पार्क इतनी गर्मी में, और गर्मी में ही जाते हैं वैसे तो, क्या ही बोल रही हूँ मैं, बट फिर भी इतनी धूप में वो वाटर पार्क गया है मेरे मौसा के लड़के के साथ, मतलब बेटे के साथ, वो भी मेरा भाई है, तो वो वहाँ गए हैं। और मम्मी पापा नीचे हैं क्योंकि अभी शायद इन्वर्टर की फिटिंग हो रही है, सो इन्वर्टर लग रहा है। और गाइस शाम को मैं कुछ लेने जाऊँगी, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको दिखाऊँ, क्योंकि मैं अपने बड़े भाई के साथ जाऊँगी, तो बड़े भाई के साथ ज़्यादा फालतू चीज़ें रिकॉर्ड करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टोकता है, इंटरप्ट करता है कि यार फालतू की चीज़ें क्यों रिकॉर्ड करती है, ये ज़रूरी है वो ज़रूरी, इसलिए। बट हो सका तो फिर भी मैं दिखाऊंगी, वरना लाने के बाद आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या लेकर आई हूँ। और चलो मिलते हैं आपसे जब मैं कुछ करती हूँ तब, अभी तो मेरी सिर्फ क्लास ख़त्म हुई है, मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। सो सी यू। सो यहाँ पर इन्वर्टर की फिटिंग हो रही है, क्या चल गई? वो अच्छा, ये तो अजीब से बैटरी लग रहे हैं, हाँ जैसे ताऊ के घर थे, है ना, एक था। हाँ ये अलग टाइप का इन्वर्टर है ना, हैवी है, सही है। ये मेरे पापा हैं नीचे बिना बिस्तर के लेटे हैं, हमारे घर में बिस्तर की कमी है, बिना नहाए पापा भी हैं, मम्मी भी है। हाँ और यहाँ मामा रहते हैं, मामा का किचन। गाइज मेरे पापा के डिज़ाइनर कपड़े। कौन मल्होत्रा है वो? मनीष मल्होत्रा ने डिज़ाइन किए।
पर यहाँ तो ठंडा है यार। हाँ ऊपर तो आग निकल रही है। ये दिव्यांश ने हनुमान जी बनाया है, ने प्यारे हनुमान जी। क्या बना रहे हो मामा? फुंदना? फुंदना ऐसे टेसल्स फुंदना। इतना टाइट जूड़ा बना बना के टकला कर लिया है सर। इतना है ऐसा ही इतना नहीं है। हाय गाइस, मेरे गुन्नू ने छिनाए ली बिंदी, छोड़ता ही नहीं है। छिनाए ली बिंदी किसी भाषा है और अलग छुटा लिए तू है मम्मी। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं नहीं रहूंगी यहां पे। मेरे को तो बड़ा इन्फेक्शन हो रहा गर्मी से इन्फेक्शन हो रहा। भैया भैया गर्मी लगती है मेरे को तो, चलो यहाँ से तो दिल्ली चलते हैं। कौन बोलता है इसे? चलो यहाँ से तो गर्मी लगती है। इस पे तो मिंत्रा लिखा है, डायरेक्ट यहाँ से मिंत्रा को जाते हैं क्या? और है पापा मिंत्रा लिखा है इस पे। भैया एसी लग रही है उनके यहाँ तो। गाइस मेरी मम्मी देखो देखने में कितनी बुढ़िया लगती है ना। कैसी भोली लगती है, बड़ी चालाक बुढ़िया लगती है मम्मी। और अभी मम्मी मेरी 52 इयर्स की है और ना तो मेकअप, ना लिपस्टिक, ना थ्रेडिंग्स, ना फाउंडेशन, बेटा ही छुड़ा लेता बिंदी मेरी, ना कुछ पार्लर। मम्मी लगती है नाऊंगी नाई ना फिर देख क्या मैं कहूंगा। साबुन से ही सिर्फ साबुन से हो जा मैं तो पानी डर जा बस ना। और मेरे पापा 57 के हैं गाइस। सो मेरे फेस पर हो गई है बहुत ज़्यादा टैनिंग कि मेरे अभी जो हाथ है मेरे फेस से गोरे लग रहे हैं, जबकि मेरे साथ उल्टा है। हाथ काले लगते हैं, फेस गोरा लगता है। मिल गया व्यू, तो इसलिए मैं करने जा रही हूँ अपने फेस पर ब्लीच। टूट गया क्या सच में? कुछ ढंग से कर लिया कर ला। सो मैंने ये शीशा मंगाया है नीचे से। सो ये है ब्लीच ऑक्सी लाइफ। सॉरी मेरे को इन सब का ज़्यादा कुछ पता नहीं है इसलिए मिस्टेक हो जाती है। सो ये है इसकी क्यूट सी प्यारी सी डिपी। एंड गाइस शादी से पहले मैं बहुत गोरी हुआ करती थी, अभी मैं बहुत काली हो गई हूँ। अभी मैं और व्यू एक जैसे हो गए हैं। तो ये वाली ब्लीच मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ शायद, क्योंकि मैं ओरिफ्लेक्स क्या होते हैं, ओरिफ्लेम आई थिंक वही होती है, ओरिलाइफ और डायमंड पर्ल्स ये सारी तो मैंने की है, बट ये मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। एंड व्यू मुझे बड़े ध्यान से देख रहा है, जैसे मम्मी बस शंख बजाने की तैयारी कर रही है, बट मम्मी फेल हो रही है। अच्छा बचता है मम्मी से, मुझसे तो बचता नहीं है। दिव्यांश भी अच्छा बजाता है। नानी ने कहाँ से सीखा शंख बजाना? क्या बजाना? शंख बजाना कहाँ से सीखा? अलग से कोचिंग क्लास ली थी नानी। नानी ट्यूशन जाती थी इसके लिए और फिर घर का जो मैं खुद करूंगी वो वाला वो नहीं होगा, इसलिए तो मैं सोच रही हूँ जब मैं इतने सालों में जाऊंगी तो सुंदर लगनी चाहिए। नहीं तो वो वाला छुटेगा नहीं ना पसीने में भी। सो गाइस यहाँ पर मैं अपनी मम्मी से बातें कर रही थी कि मुझे मेकअप बाहर से कराना चाहिए या फिर मैं खुद ही मेकअप कर लूँ, क्योंकि मुझे जाना था अपनी ननद के यहाँ पर उनके ससुर के रिटायरमेंट फंक्शन में और उनकी देवरानी के बेटे का कुआ पूजन भी था। तो वहाँ जाने के लिए मैं कन्फ्यूज़ थी कि मैं मतलब बाहर से मेकअप कराऊँ या फिर मैं खुद ही तैयार हो जाऊँ, बट गर्मी इतनी थी कि मेरा किया हुआ मेकअप सारा बह जाता। तो मैं अपनी चाची सास के पास गई थी मेकअप कराने के लिए और उन्होंने मुझे इतना समझाया कि मानसी तुम कैसी होती जा रही हो,
कुछ भी नहीं करती हूँ, मतलब थोड़ा सा रेडी वेडी होकर रहा करो, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दिया करो, अपने फेस पर थोड़ा सा ध्यान दिया करो। पहले तुम कितनी अच्छी लगती थी, बट अभी कैसी होती जा रही हो, ना मेकअप ना कुछ, मतलब ना लाइनर ना, मतलब ऐसे मेरी चाची सासू माँ ने समझाया, तो इसलिए मैं अब थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना फिर से शुरू करूँगी। क्योंकि मैं शादी से पहले तो बहुत ध्यान देती थी, पर शादी के बाद कुछ टाइम तक दिया होगा, फिर तो पता नहीं क्या ही हो गया जो इन सब चीज़ों पे, मतलब ऐसा लगता है कि क्या ही करना है इन सबको करके। तो मेरी चाची साहब बोल रही थी कि वीडियो में भी आती है तो ऐसे ही बैठ जाती है, जैसी होती है, टी शर्ट पहनी है तो टी शर्ट में ही आ गई, मतलब कुछ भी मतलब ऐसे ही आ जाती है। तो कुछ तो किया कर, थोड़ा सा लाइनर और काजल, अच्छे अच्छे शेड्स, लिपस्टिक। तो मुझे ये सब सुन सुन के थोड़ा सा लग रहा था कि यार सही बता रही है, क्योंकि चाची सासू माँ ने बोला कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सब करने का कुछ भी मन नहीं करेगा। सो अभी इंजॉय कर लो। तूने ये क्या पहना है? चुनरी तेरी नहीं, कुछ और पता नहीं क्या है। चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा। उतार दो ने। उतार दो ने। उतार दियो ने। नाना कैसे बोल रहे हैं? सो गाइस, इतनी धूप में हम लोग जा रहे हैं मौसी के घर, और अभी भयंकर वाली धूप पड़ रही थी, ऐसी धूप में हम लोग निकले हैं क्योंकि मैं कल फिर जाऊंगी अपने घर यानी कि ससुराल। तो मैंने सोचा मौसी से मिल लेती हूं, और मैं वहां गई, मैंने मौसी को फोर्स किया, मौसी तुम्हें साड़ी भी लेनी है ना, चलो आज दिलवा कर लाती हूं। तो मौसी की शॉपिंग भी कराई, और फिर हमने यहाँ पर लिए तरबूज लिया था आई थिंक, फिर हम गए मौसी के यहाँ। सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं मौसी के घर। मम्मी ने मम्मी ने खरबूज तो ले लिया वो थोड़ा सा, ये मम्मी मुझे व्लॉगिंग का ज्ञान बांटती रहती है। तो हम लोग पहुंचने वाले, बोल बोल बोल, बोलूंगे ना बोलिए। थोड़ा खरबूज ले लेते हैं, गर्मी का समय है, खा लेंगे वाली बच्चे। हम लू में आए हैं, लू चल रही है। नमस्ते जी। ओहो, टीवी की तो आवाज सी आ रही है, यहाँ टीवी चल रही है और पढ़ाई भी हो रही है ना, वैसे भी पढ़ाई हो रही है, सीरियसली हो रही है, ऐसी मजाक में हो रही है। क्या पढ़ रहा था, क्या पढ़ा मैथ्स में आज, क्या था इसमें, तुझे यही नहीं पता चैप्टर क्या है, तू पढ़ रहा है? समझ में आ रहा है तेरे को? चलो बढ़िया। और तू क्या पढ़ रही है, तू कौन सी क्लास में है? एट्थ में है तू, मुझे लगा सिक्स में ही है। तेरी हाइट नहीं बढ़ रही, तेरी क्लास बढ़ती जा रही है। और तू कौन सी क्लास में है? फर्स्ट में यार, चल रही तेरा फिर कर तो ऐसे कैसा कर दिया। सो गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट में, मौसी के घर के पास में ही मार्केट है, और यहाँ पर मम्मी मुझे हमेशा ना व्लॉगिंग का ज्ञान देती रहती है कि ऐसे बनाया कर, ऐसे बोला कर, ये दिखाया कर, इस तरीके से दिखाया कर। और फाइनली इतनी दुकानों पर घूमने के बाद, इतनी सारी साड़ियाँ देखने के बाद, मौसी को ये वाली प्यारी सी साड़ी पसंद आई है। ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं था, बट सिंपल सोबर बहुत प्यारी लग रही थी। हे गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं मार्केट से मौसी की साड़ी लेकर, और जो भी हमें लेना था वो सब लेकर अभी मैं जा रही हूँ ज्वेलर की शॉप पर। अभी मैं जा रही हूँ ज्वेलर की शॉप पर अपने बड़े भाई के साथ, और जब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी ना, उसका मुंह देखना और उसके लेक्चर सुनना कि वो मुझे कैसे लेक्चर देता है। कल भी इंतजार कर रहा था, आज भी पूरे दिन इंतजार कर रहा था। अच्छा, मैं शक्ल ले रही हूँ तो अच्छा लगता है ना मुझे। अब मेरी बड़ी वाली लड़की 24 साल की, उससे हमेशा पंगा लेते रहता है। ये कुछ ज्यादा बड़ा है, सुन ले, कायदे से रहना चाहिए, समझ में आ रही है? तो बड़ी है, हाँ, कोई गलत जगह दिखे तो आप मम्मी पापा से शिकायत कर सकते हैं। गाइस, ये मेरा भाई है और ये मुझसे 3-3.5 साल छोटा है, बट मैं इसके साथ ना ऐसे रहती हूँ जैसे मैं इससे छोटी हूँ, मुझसे बड़ा है, क्योंकि बहुत मैच्योर है, बहुत समझदार है, इसलिए मुझे बड़ा प्यारा सा लगता है ये, मतलब मेरा फेवरेट है मेरे घर में ये। और ये मेरी वो रिंग है जो मुझे मेरी मम्मी ने दी थी शादी में, तो ये थोड़ी सी मुड़ गई है, और इसलिए मैंने इसको एक्सचेंज करके कुछ पैसे और मिलाकर मैंने ये वाली रिंग ली। इसलिए मैं अपने भाई के साथ गई थी, क्योंकि वो इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे से मतलब देख लेता है। एंड गाइस, वन मोर थिंग, मेरा भाई ना मुझे कभी भी दीदी नहीं बोलता, बट हाँ फोन पर हमेशा मुझे दीदी करके बात करता है। हे गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं अंकल की शॉप से। वो अंकल हमारे फैमिली टाइप के अंकल है, मतलब
शुरू से हम लोग वहीं से लेते थे, इसलिए हमारी अच्छी जान पहचान है वहाँ पर। और इसलिए अंकल मेरे भाई को डांट रहे थे क्योंकि हर जगह मतलब दादा की दिखाने लगता है, ऐसे बिहेव करते जैसे मेरे से वो काफ़ी बड़ा है। अंकल बोले नहीं बाबू ऐसे नहीं करना चाहिए। सो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग, ये रही मेरी प्यारी सी रिंग, मैंने पहन ली है। अभी इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।